नमस्ते दोस्तों, मुंडा किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मुंडा गांव से हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर व्लॉग वीडियो और एग्रीकल्चर वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और मेरी पिछली वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जो मैंने कॉटन सीड्स पर बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, मेरे यहाँ पर आज बरसात हुई है, मौसम बहुत सुहाना है। बरसात तो थोड़ी हुई है परंतु नरमे के लिए फायदेमंद है, अच्छी बरसात हुई है। अगर दोस्तों आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं 2-3 दिन से अपने खेत के अंदर नहीं आ पाया था, तो जब मैं खेत के अंदर आया तो मुझे नरमे के अंदर कुछ नुकसान दिखाई दिया। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना लेते हैं और किसानों को भी दिखा देते हैं। जो तो दोस्तों ये पास वैरायटी है मेरी और उसमें वो पौधा देखिए किस तरह से झुलस गया है, इस तरह से पौधे झुलस रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ये देखिए किस तरह से हो गया है पौधा और ये पत्ते इस तरह से झुलस रहा है। ये पौधा है और वो पौधा भी है जिसे हमारे यहाँ पर इसे बोलते हैं कि नरमा साट मार गया है कुछ इस तरह से। मैं आपको और भी पौधे दिखाऊँगा, इसके अंदर पता नहीं है कौन सा रोग पैदा हो गया है। और मैं जो डॉक्टर होते हैं जो नरमे को देखते हैं एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के, उनको भी मैंने कॉल किया है, वो कल तक आएंगे और आने के बाद वो इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से बताएंगे। ये देखिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर बता दूंगा उन्होंने इसके लिए क्या इलाज बताया है। ये देखिए इस तरह, और भी बहुत सारे पौधे हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ये भी पौधा है, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी बरसात हुई है फिर भी ये पौधे इस तरह से झुलस रहे हैं। ये देखिए, ये रहा पौधा और आपको वो भी पौधा दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर, वो देखिए इस तरह से कोई ये नया रोग पैदा हुआ है। अगर आपके पास भी इसका अच्छे से समाधान है, अगर आपने कभी इस तरह से आपके भी खेत के अंदर ऐसे कभी झुलसे हैं तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों इसका समाधान क्या होगा। तो करता हूँ वीडियो को यहीं पर एंड दोस्तों, धन्यवाद।